तो फिर सात जमीनों को सात आसमानों को कैसे ला सकते हैं? तो ये कितनी
वसी तरीन जो है अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए नेमत की जगह है। और फरमाया उद्दत लिलमुत्तकीन, और ये मैंने मुत्तकियों के लिए तैयार कर रखी है, मुत्तकियों को यानी जो तकवे पे रहे। और तकवे की मैंने कई मतलब आपको ये बात अर्ज की है, तकवे का एक दर्जा है कि बंदा शिर्क से बचे, एक दर्जा ये है कि बंदा गुनाह कबीरा से बचता रहे, और कमाल तरीन दर्जा ये है कि बंदा हर गुनाह से अपने आप को बचाता रहे, तो वो मुत्तकी होगा। और उसकी कुछ अलामतें अल्लाह ने फिर खुद बयान की। अल्लाह फरमाता है वो मुत्तकी लोग الذين ينفقون في السراء والضراء, जो तंगी में भी खर्च करते हैं और खुशहाली में भी खर्च करते हैं, ये उन मुत्तकियों की सिफत है। ठीक है, यानी अल्लाह की राह में किसी ना किसी जरिए से कुछ ना कुछ खर्च करते रहना चाहिए, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे खुशहाली हो, तंगदस्ती हो। और जरूरी नहीं है कि हर वक्त पैसे की सूरत में ही खर्च किया जाए, किसी को मशवरा देना ये भी खर्च करना है, किसी को तकलीफ करना ये भी सदका है, किसी की रहनुमाई कर देना ये भी सदका है। तो कोई भी शक्ल जो है वो इसकी बन सकती है। पर माया दूसरी अलामत यह है कि वह काज़िबीन अल-ग़ैज़, वो मुत्तकी गुस्से को पी जाते हैं, वह आफीना लिन्नास, और लोगों को माफ करते हैं। ये दोनों सिफतें जो है इस वक्त हमारे यहाँ फर्द से लेकर घर तक और घर से लेकर माशरे तक बेहद जरूरी है। गुस्से को पी जाना, हुज़ूर फरमाते हैं कि जब कोई शख्स गुस्से को पीता है तो अल्लाह इसका बदला यह देता है कि उसके ईमान को पहले से ज्यादा बढ़ा देता है, पहले से ज्यादा बढ़ा देता है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक सहाबी से आपने पूछा कि तुम्हें मालूम है पहलवान कौन होता है, तो सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपने हजरत मुआज़ बिन जबल से पूछा, तो सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह पहलवान को होता है जो मैदान में किसी को शिकस्त दे, मैदान में किसी को पछाड़ दे, मैदान में किसी को गिरा दे। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, सच्चा पहलवान वो है, हकीकी पहलवान वो है कि जिसको गुस्सा आए इंतकाम की ताकत भी रखता हो फिर भी अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए माफ कर दे, तो वो पहलवान है। वो क्या है? पहलवान। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अजर कितना बताया, कि जो बंदा सच पे हो झगड़ा खत्म कर दे, गुस्सा खत्म कर दे। अनुसर सलाम फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद उसको जन्नत की समान कर देता हूँ। ठीक, और ये इतना बड़ा इनाम क्यों है कि गुस्सा पीने के मुकाबले में नमाज पढ़ना आसान है, गुस्सा पीने के मुकाबले में रोजा रखना आसान है, गुस्सा पीने के मुकाबले में जो है तबलीग करना आसान है, लेकिन किसी से गाली खाकर उसको दुआ देना ये मुश्किल है, किसी से थप्पड़ खा के दुआ देना ये मुश्किल है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि जब हजरत अम्मा आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह आपकी जिंदगी में सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा है, तो हुजूर फरमाते हैं आयशा मेरी जिंदगी का सख्त तरीन दिन वो था कि जब मैं ताइफ के लोगों को कुरान सुना रहा था और वो बदले में मुझे पत्थर मार रहे थे, मैं जब उनको अल्लाह का पैगाम सुना रहा था और वो मुझे लुहान कर रहे थे, मैं जब उनको तबलीग कर रहा था और बदले में मुझे जादूगर और मजनू कह रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील ने आकर पूछा या रसूलल्लाह आप इजाजत दें तो ताइफ के लोगों पे पहाड़ उल्टा के इनको बर्बाद कर दे, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने उस वक्त भी ये कहा कि नहीं, इनको हलाक नहीं करना, बल्कि अल्लाह हमारे हिंदे कौम ही कमला या रहूं, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनको मालूम नहीं कि तेरा मोहब्बत कितनी शान वाला है। ठीक, तो इतने जुल्म के बाद मेरे पाक नबी ने उस गुस्से को जब्त किया, बर्दाश्त किया, और फिर उस बर्दाश्त का इनाम क्या निकला कि सदियां गुजर जाने के बाद आज भी कायनात के चप्पे चप्पे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद हो रहा है। तो इसलिए हमारे हम बास अनाए अदाते गुस्से वो हमें एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर कर देते। वक्ती तौर पर गुस्से को पीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका ताप में जिंदगी इंसान को मोमिन को फायदा होता है और आखिरत में तो अजर है ही। और दूसरा केवल आफीना लिन्नास, लोगों को माफ कर, साथी इंतकाम जो है कभी भी वो लेने का फैसला ना किया जाए। ठीक है, इंतकाम ना लेना ये सुन्नत है,
ठीक है, और हमें ये भी एनवायरमेंट बनानी चाहिए, जिस तरह दाढ़ी रखना सुन्नत है ऐसे उससे पगड़ी जाना भी सुन्नत है, पगड़ी रखना सुन्नत है माफ करना भी सुन्नत है, खुशबू लगाना सुन्नत है तो लोगों से दरगुजर करना ये भी सुन्नत है, ठीक है। ये हम आसान सुनते कर लेते हैं ना, पगड़ी रख ली, दाढ़ी रख ली, खुशबू लगा ली, तस्बीह आसान सुनते हैं ना, तो ये सुनते भी हमें करनी चाहिए कि हम जो है वो गुस्सा पीने वाले बने, माफ करने वाले बने, दरगुजर करने वाले बने, लोगों की गलतियों को इग्नोर करने वाले बने, ये भी सुन्नत है और हुक्म इलाही भी है। और अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ये नेकियां करने वाले को पसंद करता है। फरमाया वल्लज़ीना, वो लोग इज़ाफा अल फ़हशा, जो बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं, गुनाह करते हैं, और ज़ालिम पर अनफुसहुम, या कोई गुनाह करके अपने ऊपर ज़ुल्म करते हैं, ज़ाकरुल्लाह, फिर अल्लाह को याद कर लेते हैं, फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, ठीक है। गुनाह का हो जाना ये इतना खतरनाक मामला नहीं है, क्योंकि ये हमारी फितरत में है, हमसे गुनाह होने, उस गुनाह पे डट जाना, तौबा ना करना, शर्मिंदा ना होना, अल्लाह से माफी ना मांगना, ये खतरनाक मामला है। और अल्लाह ताला किसी गुनाह के होने के बाद उस बंदे को तौबा की तौफीक दे देना तो अल्लाह का इनाम समझा है, अल्लाह का इनाम समझा है। हजरत हसन बसरी से पूछा गया कि कैसे पता चलता है कि बंदे की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है, तो इमाम हसन बसरी ने फरमाया अल्लाह उस वक्त तौबा की तौफीक ही नहीं देता जब तक कबूल ना कर ले। तो गुनाह ये इंसान से होते रहते हैं, ठीक है, खतरनाक मामला ये है कि उस पे डटना भी चाहिए, जिद भी करनी चाहिए, फौरन अल्लाह के हुजूर झुके, अल्लाह को याद करे, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह का वादा है कि तुम्हारे गुनाह अगर आसमान के किनारों को भी पहुंच जाए और फिर भी तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला का ये वादा है मेरी उम्मत के साथ कि मरने से इतनी देर पहले कि जितनी देर बकरी का दूध दोने में लगती है, ठीक है, बकरी का दूध कितनी देर, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बड़ी बात, ठीक है। हुजूर फरमाते हैं इतनी देर पहले भी मेरा उम्मत अगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी भी तौबा कबूल कर लेता है। इसलिए इसका अच्छा तरीका यह है कि हर रात सोने से पहले तौबा करके सोए, शायद कि वो जिंदगी की आखिरी रात, दिन का इख्तिताम अल्लाह के हुजूर माफी से करे। फरमाया वमय्यतु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है अल्लाह के सिवा जो गुनाहों को माफ करता है, और गुनाह करने के बाद अगर वो उस पे इसरार नहीं करते, बार बार नहीं करते, यानी तौबा करें और शर्मिंदा होकर करें गुनाह से, अल्लाह के नाम तौबा करके करें, अल्लाह फरमाते हैं जब तुम ऐसी तौबा करते हो तो मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेता हूँ। अगर ऐसी तौबा कि भाई वक्ती तौर पर जबानी कलामी के मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ और दिल में वही गुनाह करने का इरादा है तो वो फिर तौबा शुमार नहीं होती, और अल्लाह ताला फिर ऐसी तौबा करने वाले को हिदायत की तौफीक नहीं देता। इंसान होने के नाते हमसे खताएं गलतियां कोताहियां वो होना मुमकिन है, ठीक है, अगर गलती नहीं होगी तो अल्लाह के नबी से नहीं होगी और फरिश्तों से नहीं होगी, इसके अलावा कोई जो है इससे महफूज नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला जो है किसी को बचा दे तो ये उसकी करम नवाजी है, करम नवाजी है, और अल्लाह ताला जो है इन दो के अलावा किसी को मासूम नहीं रखता, ठीक है, महफूज बना देता है, मासूम नहीं रखता। तो इसलिए हमें भी रोजाना की बुनियाद पर अपना मुहासबा करते रहना चाहिए, अल्लाह न करे अल्लाह न करे किसी भी अमल से अगर अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो जाए तो फौरन अल्लाह को याद करके उसकी बारगाह में सजदा रहे, जो कि उससे माफी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह का दरवाजा रहता है, हर वक्त खुला रहता है, बंदा सच्चे दिल से जब भी आए जहाँ भी झुके अल्लाह उसके झुकने को कबूल भी करता है और अपनी रहमत भी अता करता है। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें इन नाकामियों के हो जाने की तौफीक अता करे। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
पसंद होता है।